राजस्थान विश्वविद्यालय में भाभा हॉस्टल के छात्रों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। तीन दिन पहले हॉस्टल में घुसकर मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों का आरोप है कि असिस्टेंट वार्डन की मिलीभगत से उनके ऊपर हमला करवाया गया था। ऐसे में असिस्टेंट वार्डन को हटाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक छात्रों की मांगे नहीं मनाई। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मामले में FIR दर्ज करवा दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में भी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। हमारे ऊपर अटैक करवाया गया है और जो हमारा फुटबॉल कोर्ट है उसके अंदर खड्डे खोद दिए, जो फुटबॉल खेलने की जाल वगैरह थे उन सबको हटा दिया गया है और वहाँ पर जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सब्जी वगैरह उगा रखी है। और अगर अब ये शाम तक हमारे साथ में न्याय नहीं करते, वार्डन को नहीं हटाते, तो हमारे को हमारी DD वापस दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से, घर चले जाएंगे। हम पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, 3-4 दिन से बैठे, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पर रात को भी यही रहते, दिन में भी यही रहते और कोई अभी तक बात नहीं हो रही है। 3-4 दिन पहले भाभा छात्रावास के अंदर करीब रात मेरे पास जो सूचना मिली वहाँ के असिस्टेंट वार्डन हैं हरभजन गोदारा जी से कि वहाँ कुछ बाहरी छात्र उन हॉस्टल तक पहुँचे और उन्होंने थोड़ा सा आगजनी करने का प्रयास किया और किया, लेकिन जब तक असिस्टेंट वार्डन वहाँ पहुँचे जब तक वो लड़के भाग छूटे। उसके बाद में ये रात को ही कुलपति रेजिडेंस के सामने बाबा हॉस्टल के छात्र धन्य